नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2016। यहाँ आपको ए कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए हैज एट लीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू। तो सिंपली अगर ए को मैं 2x2 में बात करता हूँ, 0, 1, -1, 0, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके पास कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो यू एंड या वी एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर एन, जो ए ऑफ डब्ल्यू होल ट्रांसपोज है और ए ऑफ वी है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1, -1, 0, 0, ठीक है, तो और यू और वी या इस क्वांटिटी की बात करूंगा तो दैट इज डब्ल्यू ट्रांसपोज ए ऑफ वी आएगा, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करूंगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये डब्ल्यू ट्रांसपोज वी आ जाएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू वेक्टर को आप पिक कर लो 1, 0 और वी वेक्टर को पिक कर लो -1, 0, जब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये एक नेगेटिव नंबर पे मैप हो गया। तो यहाँ बेसिकली ये एक बाइलिनियर फॉर्म दिया हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये दे देता तो ये आपके पास क्या हो जाता, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाता, तो वो एक नॉन नेगेटिव मैप एलिमेंट पे हमेशा मैप करता, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए की हर आइगन वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाता हूँ एक्स ट्रांसपोज ए ऑफ एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ ए एक्स होल ट्रांसपोज ए ऑफ एक्स, वो क्या आ जाएगा आपके पास समथिंग वाई ट्रांसपोज वाई, और वाई आप कुछ भी लो, वाई का वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो ये हमेशा क्या आएगा, नॉन नेगेटिव। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या है, नॉन नेगेटिव डेफिनेट है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म नॉन नेगेटिव डेफिनेट है तो, और ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या रहेंगी, नॉन नेगेटिव रहेंगी। और डी ऑप्शन जो दे रहा है कि आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए के बारे में बात कर रहा है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू जो होंगी पॉजिटिव होंगी, और सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेट नॉन जीरो आएगा, तो दिस शुड बी इन्वर्टेबल, तो डी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो सी एंड डी आंसर होगा। क्लियर है।